नमस्कार दोस्तों, रस्सी की गांठ ये एक बुद्ध कथा है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, समस्याएं सबके जीवन में हैं और समस्याओं का समाधान अगर अच्छी तरह करना चाहते हो तो पहले ये जानना पड़ेगा कि समस्या उत्पन्न कहां से हुई। पहले ये जानने का प्रयास नहीं करना कि इसका निवारण क्या है, बल्कि उसकी जड़ में जाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि समस्या की मूल क्या है। समस्या की जड़ में जाए बिना समस्या का समाधान संभव नहीं है। दोस्तों, रस्सी की गांठ बुद्ध की ये कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि अगर इसे जीवन में उतार लोगे तो निसंदेह बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के शिष्य भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वहां पर भगवान बुद्ध प्रकट होते हैं और उनके हाथ में एक रस्सी थी। वो आकर सिंहासन पर बैठते हैं, सारे शिष्य टुकुर टुकुर उन्हें देख रहे थे। भगवान बुद्ध उस रस्सी को हाथ में लेकर उसमें गांठ बांधने लगते हैं। सारे शिष्य उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे कि भगवान क्या कर रहे हैं। तीन गांठ बांधने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि मैंने कितनी गांठ बांधी है। तब उनके शिष्यों ने कहा, तीन बांधी है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या आप बता सकते हो कि क्या ये वही रस्सी है या इसका स्वरूप बदल गया है। सारे शिष्य शांत थे, उसमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि प्रभु, मैं रस्सी को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखूं तो आपके उत्तर भी भिन्न भिन्न पाता हूं। एक दृष्टिकोण ये कहता है कि इसमें तीन गांठें लगी हुई हैं, इसलिए इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि रस्सी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, रस्सी तो आखिर रस्सी है। बुद्ध बोले, सही कहा। अब मैं इन गांठों को खोलने का काम करता हूँ। और बुद्ध ने उन रस्सी के दो हिस्सों को पकड़ा और गांठे खोलने लगे। तब उनके शिष्य ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो, इससे तो गांठे और मजबूत हो जाएंगी और ये खुलने में और ज्यादा परेशानी देंगी। तब बुद्ध ने कहा कि इन रस्सी की गांठों को कैसे खोला जाए, आप ही मुझे बता दीजिए। तब उनके शिष्य ने कहा कि गांठ खोलने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गांठे कैसे लगाई गई है। ये जानने के बाद इनको खोलना बहुत आसान हो जाएगा। बुद्ध यही चाहते थे। बुद्ध ने कहा, आज मैं यही संदेश आपको देना चाहता था कि जीवन में आने वाली समस्याओं के निवारण का सही तरीका जानने के बाद ही जीवन की समस्याओं का निवारण करें। इस संसार में सभी के जीवन में गांठें लगी हुई हैं, यानी सबके जीवन में समस्याएं हैं। प्रत्येक दिन न जाने कितने लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है, लेकिन कभी भी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि क्रोध किस कारण आता है, उसकी जड़ क्या है, उसका स्रोत क्या है। ऐसे ही लोग आते हैं, पूछते हैं, मैं अहंकार समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अहंकार उत्पन्न कैसे हुआ। बिना समस्या के मूल में जाए निदान संभव नहीं है। जैसे ही आप समस्या की मूल में जाएंगे, समस्या की जड़ में जाएंगे, समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि जीवन का सच्चा सार समझाती है, जीवन का असली अर्थ समझाती है। समस्याएं कुछ भी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति उनका हल कर सकता है, लेकिन पहले हमें समस्या की जड़ में जाना पड़ेगा। पहले हमें सोचना पड़ेगा कि समस्या उत्पन्न कहां से हुई। अगर हमें ये पता चल गया कि समस्या की जड़ क्या है, तो समस्या का निवारण करना कोई कठिन काम नहीं है। दोस्तों, कहानी को अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिएगा और अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय भगवान गौतम बुद्ध।